हाय गाइस, तो यहां पर मैं नया वीडियो लेकर आया हूं 5G डिवाइसेस से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता ही है, काफी लोगों को 5G मिलने लग गया है उनकी सिटी के हिसाब से, उनके स्टेट के हिसाब से, लेकिन काफी लोग आज भी 5G फोन लेने के बाद 5G सर्विसेज का यूसेज नहीं ले पा रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं, ये है मेरा फोन सैमसंग का M53 और यहां पर मैंने इसके अंदर जियो कैसे इनेबल किया है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के साथ आखिरी तक, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली कि कैसे क्या करना है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है, और उनको फॉलो करने के बाद आप इजीली वो सब चीजें कर पाएंगे। तो यहां पर सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। मैं पहले फोन को अनलॉक कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जियो की इंडिया के अंदर सबसे पहले सर्विस स्टार्ट हुई है, तो जियो के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। हालांकि एयरटेल भी स्टार्ट कर चुका है, लेकिन हम जियो के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके लिए आपको माई जियो ऐप और एक जियो 5G सिम की जरूरत पड़ेगी। ऐप खोलने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर चेक 5G रेड लाइन आपको निकालना है ऑप्शन, और वहां जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि यहां पे जियो ट्रू 5G आपके यहां पे इनेबल है, और साथ में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिया गया है। तो यहां पर जैसे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, अब देखिए यहां पे जियो वेलकम ऑफर, हैंडसेट 5G कंपेटिबिलिटी, हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन, हैंडसेट 5G सेटिंग्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों यहां पर मांगे गए, ये आपके सिम के साथ होने चाहिए कंपेटिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि कोई सा भी मोबाइल फोन हो उसके लिए हमें चाहिए एक 5G फोन। जी हाँ, 5G फोन नहीं होगा तो ये वाली सपोर्ट नहीं करेगी सर्विस आपके फोन के साथ। दूसरी चीज, आपका कोई सा भी सिटी है, कोई सा भी स्टेट है, आप इंटरनेट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है कि नहीं ये 5G सर्विस। और अगर हो गई है तो आपको इस टाइप से माई जियो ऐप या एयरटेल की ऐप पे भी जाकर आप ऐसा ही करेंगे सेटिंग, तो वहां जाकर भी आपको कुछ इसी टाइप से देखने को मिल जाएगा। काफी लोगों की ये सब चीजें हो जाने के बाद भी नीचे की तरफ चेक योर 5G सेटिंग्स आता है। तो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, कोई सा भी मोबाइल डिवाइस हो, बस 5G होना चाहिए, उसके साथ आपको यहाँ पे गो टू सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर मेन कहानी दोस्तों आ जाती है कि आपको किस तरीके से चेक करना है और कैसे इनेबल करना है आपके 5G के नेटवर्क को। तो सबसे पहले हम कनेक्शन एंड मोड्स में आ गए और मोबाइल नेटवर्क्स में हम जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दो नेटवर्क मोड दिख रहे होंगे, अगर आपका फोन ड्यूल सिम सपोर्ट करता है तो दो दिखा रहा होगा, SIM 1 SIM 2। और SIM 1 SIM 2 के अंदर ऑटोमेटिकली आपको देखना होगा कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए 5G LTE या फिर 3G 2G ऑटो कनेक्शन। सपोज कीजिए पहले 4G था तो यहाँ पर 5G का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर LTE 4G 3G वाला ऑप्शन आता था। लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन के साथ 5G कंपेटिबिलिटी है तो यहाँ पर आपको ये 5G सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको नेटवर्क 2 वाले पे भी आपको यही कर देना है। अब जैसे यहाँ पर पहली सिम मेरी जियो की है, दूसरी सिम मेरी एयरटेल की है। यहाँ पर अभी मेरे जयपुर में एयरटेल का 5G स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ ही कुछ जगहों पे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये अभी कनेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर मैं कनेक्ट करके देख लेता हूँ तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो देखिए दोनों में से एक आपकी जो सिम है उस पर 5G सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने जियो को कर दिया तो जियो का 5G कर रहा है, जहाँ मुझे अनलिमिटेड डेटा मिला है मेरे प्लान के साथ। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। मोबाइल का जो डिवाइस है, स्मार्टफोन आपका, वो कंपेटेबल होना चाहिए 5G के साथ। दूसरी चीज़, आपके शहर में आपके जगह पर ये 5G इनेबल होना चाहिए, जो कि आपको जियो ऑटोमेटिकली अपने ऐप के अंदर दिखा देता है। आप देखिए ये 5G डिवाइस चेक हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर चेक करने के बाद आपको बता देता है कि आपका ब्रांड कौन सा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल्स वगैरह डाल के, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको देखता है। और नो मोर अबाउट 5G के बारे में, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स भी दी गई है, आप वो देख सकते हैं। और चेक 5G रेड लाइन मैंने फिर से किया है, तो देखिए सारे ऑप्शंस दिखा रहा है मुझे, ठीक है, या इनेबल किया। और ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बोलता है, इज योर हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन। अगर आपके पास 5G फोन है दोस्तों, और अगर वो वहाँ पर वापस आपको चैट नेटवर्क दिखा रहा है, तो आपको यहाँ से ये अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद ही आपका 5G नेटवर्क चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली ये करना है, और ऑटोमेटिकली जियो अपनी तरफ से आपको ये सारे अनलिमिटेड वाला जो 5G डेटा है ना, वो ऑटोमेटिकली देता है। तो ये आपको एक बार करके देखना चाहिए, आपको इजीली 5G सर्विस यूज़ करने का फ़ायदा मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर भी करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर।